नवाज शरीफ को जेल से रिहा हुए एक हफ्ता हो गया, किस अस्पताल में दाखिल होने की अभी खबर नहीं आई। रोज बीमारी से अपडेट रखने वाली मरियम नवाज ने काफी दिन हो गए ट्वीट भी नहीं किया। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी मजीद तफसीला जाने के लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी बताइएगा, फवाद चौधरी की जानिब से तनकीद की जा रही है। नवाज शरीफ को जेल से रिहा हुए एक हफ्ता हो गया, किसी अस्पताल में दाखिल होने की अभी तक खबर नहीं आई। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं कि रोज बीमारी से अपडेट रखने वाली मरियम नवाज ने काफी दिन हो गए कोई भी ट्वीट नहीं किया। नवाज शरीफ को जेल से रिहाए हुए एक हफ्ता हो गया। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया है। कहा यह गया है कि नवाज शरीफ को जेल से रिहा हुए एक हफ्ता हो गया है। मजीद तफसीला जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी बताइएगा, फवाद चौधरी की जानिब से तनकीद की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ को जेल से रिहा हुए एक हफ्ता हो गया है, मगर नवाज शरीफ के किसी अस्पताल में अभी तक दाखिल होने की खबर नहीं आई। उम्मीद है नवाज शरीफ खैरियत से होंगे और मरियम बीबी के ट्वीट भी बंद हो गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि रोज बीमारी से अपडेट रखने वाली मरियम नवाज ने काफी दिन हो गए हैं अपने वालदे मोहतरम की बीमारी के हवाले से ट्वीट नहीं किया। सोच रहा हूँ कि नवाज शरीफ को खत लिखूँ और खत में नवाज शरीफ से उनकी खैरियत पूछना चाहता हूँ। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि जेल से घर जाने के बाद नवाज शरीफ के तनाव में कमी आई है और उन्हें घर का खुशगवार माहौल मैसर आया है। अब नवाज शरीफ उस खुशगवार माहौल में मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस करने का भी सोचें। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ को जल्द या देश से लूटी हुई दौलत वापस करना ही होगी। जी ठीक है, विफाक वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी भी तनकीद करते हुए नजर आए नवाज शरीफ पर। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।